हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बेसन का वड़ा बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 कटोरी बेसन ले लिया है। इसे क्रिस्पी करने के लिए एकदम हल्का सा चावल का आटा लिया है, 1/2 कटोरी चावल का आटा, 2 कटोरी बेसन। अब इसमें प्याज डालेंगे, 4 प्याज को मैंने काट लिया है। इसमें प्याज डालेंगे, 3-4 प्याज है, 2 हरी मिर्चें हैं, लाल भाजी थोड़ा सा लिया है और ढेर सारी धनिया की पत्ती है। इन सभी को इसमें डालेंगे। हरा मिर्ची, लाल भाजी, प्याज और धनिया की पत्ती, इन सभी को डालेंगे और खड़ा धनिया डालेंगे इसमें, थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। इसमें लाल मिर्ची का पाउडर और हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। इन सभी को मिक्स कर लेंगे। इसमें लाल मिर्ची और हल्दी का पाउडर डालने से कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल लेंगे, इसका घोल तैयार कर लेंगे। इसको बेसन के जैसे पतला नहीं करना है, हल्का सा टाइट रहेगा ये। ये देखिए, इसका आटा जैसे भजिया बनाते हैं ना, उतना गीला भी नहीं है और रोटी बनाते हैं उतना टाइट भी नहीं है। बीच में है दोनों का, ये आटा हल्का सा गीला है। मैं इसे घोल भी नहीं बनाई हूँ, हल्का सा टाइट टाइप का और गीला टाइप का डो इसका बना है। अब हल्का सा हाथ में ऑयल लगा लेंगे, इसे रख देंगे। इसे हाथ में लेके हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, उसके बाद इसे हाथ में लेके डालेंगे, इस तरीके से डालेंगे इसे। ऐसे हाथ में ले लेंगे, फिर हल्का से ऐसे दबा के इसे डालेंगे। इसे पलट लेंगे, इसके बाद हल्का से इसे सेकेंगे पलट कर। इसे निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे, इसे तुरंत ही निकालेंगे इसे। अब इसे दबा लेंगे, टिश्यू पेपर से भी दबा सकते हैं, मैं ऐसे ही दबा रही हूँ। अब इसे तेल में डाल देंगे। ये देखिए बन गया है इसका वड़ा। अब तेल में डालेंगे इसे और सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम में इसे कुरकुरा होने तक सेकेंगे। इसे पलट लेंगे। अगर इसमें हल्दी डलाता ना तो इसका कलर और भी बढ़िया आता। अभी इसका कलर पिंक टाइप का दिख रहा है, हल्दी में येलो कलर आता है इसका। इसे कुरकुरा होने तक गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। अब इसे सेकेंगे कुरकुरा होने तक, अंदर तक सीखना चाहिए अच्छे से ये, तभी क्रिस्पी कुरकुरा बढ़िया लगेगा ये। इसे बस मैं पलट रही हूँ, बीच बीच में छोड़ के इसे अच्छे से सेकने दे रही हूँ, तभी अंदर तक सेकेगा और क्रिस्पी होगा बढ़िया से। अब ये सीख गई है, अब इसे निकाल लूंगी। कलर देखिए इसका सेकाने के बाद अलग ही दिख रहा है, अंदर तक क्रिस्पी हो गई है ये पता चल रहा है। ऐसे ऊपर से छू लेंगे ना तो ये कड़क लग रहा है, ठंडा होने के बाद एकदम क्रिस्प आ जाएगा ये। इसे सेकने में कम से कम 8-9 मिनट लग गए हैं। मीडियम फ्लेम में मैंने इसे अच्छे से सेका है। इसे टिश्यू पेपर में रख लेते हैं। ये देखिए लग रहा है ना एकदम क्रिस्पी, ये देखिए। ऐसे ही इसे सेकना है, अगर ये कम सेकाएगा ना तो टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा, क्रिस्पी में ही ये टेस्टी लगता है। अब ये बन चुकी है, इसी तरीके से आप लोग भी बनाइए।
और मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए।